वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हतक इज़्ज़त बिल की मंजूरी मौखर कर दी गई है। वज़ीर इत्तला पंजाब उज़्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सोशल मीडिया से डरे हुए नहीं लेकिन झूठे इल्ज़ाम लगाकर किसी को पगड़ियाँ उछालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नए कानून के तहत पहला केस खुद दायर करने का ऐलान भी कर दिया। पंजाब हुकूमत जो है वो एक नया डेफिमेशन लॉ असम्बली में टेबल हो गया है। जो पुराना डेफिमेशन लॉ है वो कभी नोटिस की स्टेज से आगे ही नहीं गया। लोगों की पगड़ियाँ उछालना, लोगों की बेइज्जती करना, लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना, उसके ऊपर या डॉलर कमाना या उसके ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करना, ये बात तो एक सेटल्ड फैक्ट है कि एक नए डेफिमेशन लॉ की ज़रूरत है। ये टोटल एक सिविल सूट है। जो भी ट्रिब्यूनल के जज साहब होंगे वो जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा उसको वो कहेंगे कि भाई ये आपके पास 21 दिन की मोहलत है, 180 डेज के अंदर इस पूरी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट होना है। अगर वो साबित हो जाती है तो उस शख्स के खिलाफ 3 मिलियन की एक डिग्री जो है वो जारी कर दी जाएगी। उसको कोई पुलिस के पास नहीं जाना, उसके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, उसको हरजाना देना है जो उसने हतक इज़्ज़त किसी शख्स की है। चीफ मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है एक सूबे का, वो कोई भी हो। मरियम नवाज़ साहिबा भी उतनी ही रिस्पेक्टेबल हैं जितने आप रिस्पेक्टेबल हैं। अगर आपकी तौहीन नहीं होनी चाहिए तो चीफ मिनिस्टर की भी नहीं होनी चाहिए।